कुफुर धर धर कांपता है। आज भी एक नाम से कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी एक नाम कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से के कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी के कुफुर थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से, जिसने था बड़े आराम से। के जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से, जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से, जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े दरवाजे को 70 सहाबा मिलके हिला रहे थे, दरवाजा हिल नहीं रहा था, हजरत अली शेरे खुदा ने तन्हा उठा के फेंक दिया। ये मतला उन्हीं की बारगाह में है, इसलिए एक बार अली का नारा लगना चाहिए। है कोई जो अली का नारा लगा दे, कह दे सुभान अल्लाह। के जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से। अब एक शेर सुनिए करबला शरीफ। चांद ने देखा है पहली बार तारों को उदास, के चांद ने देखा है पहली बार तारों को उदास, के चांद ने देखा है पहली बार तारों को उदास, आखुला शबीर का चल ने लगा जब शाम से, बाबुला शबीर का चल ने लगा जब शाम से, बाबुला शबीर का चल ने लगा। और इस शेर को सुनिए, इस शेर को बहुत लोगों ने पसंद फरमाया, अभी 9 साल से कुर्सी पे है, दिमाग खराब हो गया, मीडिया से लेके एक चपरासी तक करता। हम लोगों ने तो 300 साल तक हुकूमत की है, मगर हमारा दिमाग बहुत खराब ना हो गया होता तो साफ। एक शेर, तेरा मिटना तो मुकद्दर है, वो दिन भी आएगा, हाथ उठाकर बोल दे इंशाअल्लाह, कि तेरा मिटना तो मुकद्दर है, वो दिन भी आएगा, कि
देते हैं ना तो मबादर है वो दिन भी आएगा कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम नारे निशान अजमत इस्लाम अजमत इस्लाम शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अलहाज हबीबुल्ला फैजी साहब किबला तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा के तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम से कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम से कुफर कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम से जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े याराम से जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े तारीख़े बेदारी असल कुछ दिन हो गए तो जहन से निकल गया दरअसल याद होगा लिख करके दे दीजिएगा अब एक शेर हबीबुल्लाह फैजी और पढ़ रहा याद आ गया मैंने याद किया अभी ये शेर हर जगह हम नहीं पढ़ते हैं मैं काफिया पे बात कर रहा हूँ कलमाए तैयब पढ़ो ना फिर समझ में आएगा कलमाए तैयब पढ़ो ना फिर समझ में आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमाए तैयब पढ़ो ना फिर समझ में आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमाए तैयब पढ़ो ना फिर समझ में आएगा के कलमाए फिर समझ में आएगा कि कलमा तैयब बढ़ाना फिर समझ में आएगा किस कदर गहरा ताल्लुक मीम का है लाम से शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मजहब इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी के किस कदर मीम का है नाम से एक शेर अपने उस्ताद की बारगाह में ए मेरे अल्लामा अरशद ए कलम के बादशाह मेरे अल्लामा अरशद ए कलम के
अभी लर्जा है तुम्हारे नाम से। पता चला आपको बहुत देर से हम आपको नहीं लगा होगा कि आधा घंटा हो गया लगभग। पता चला मक्का सुन लीजिए। ज्यादा चिल्लाना नहीं भाई ये ना देवा के ज्यादा चिल्लाना नहीं भाई जिए ना थे पाक के ज्यादा चिल्लाना नहीं भाई जिए ना थे पाक फर्क कुछ पड़ता नहीं दस बीस के मुझे फर्क कुछ पड़ता। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर नारे रिसालत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। हजरते हबीबुल्लाह फैजी का मक्ता इतना अच्छा है कि एक बार और सुनने को तबीयत चाहती है। आपका क्या इरादा है? इनका मक्ता सुनकर चार मिसरे याद आ गए। मैं आपको तेजी के साथ सुना देता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। महफिलों में नात खां ऐसे हमें दरकार हैं। महफिलों में नात खां ऐसे हमें दरकार हैं। शाहे दी की याद में जिनके ढले अफकार हैं और अच्छे लहजे में पढ़ें मिंबर का भी रखें ख्याल। अच्छे लहजे में पढ़ें मिंबर का भी रखें ख्याल। ये गजल दोहा नहीं ये नातिया अशार हैं। ज्यादा चिल्लाना नहीं भाई ये ना देवा के ज्यादा चिल्लाना नहीं भाई ये ना देवा फर्क कुछ पड़ता नहीं दस बीस के नाम से जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से। आराम से आराम से आराम से आराम से के जिसने खैबर